अब सब बच्चे आ जाएं, वेक्टर अपन ने पढ़ लिया, वेक्टर पे बहुत सारे सवाल भी लगा लिए, वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे अपन की वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, और बेटर। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए बात करें 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। चलिए 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हाँ बोलो बच्चे बोलो। अभी रुक जाओ यार, अभी इधर देखो। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली वेक्टर फ्री होते हैं ना, तो कोलिनियर, कोइंसिडेंट या पैरेलल, तीनों एक ही शब्द पकड़ ले तुम। हाँ ओके, आप सब बच्चे देखेंगे। सबसे पहले 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जबरदस्त है, और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों हम पढ़ेंगे पूरा वेक्टर के एप्लीकेशन की तरह। इनफैक्ट 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पूरे टाइम मन में सोचें वेक्टर और करें 3D। जैसे मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी डेवलप करूंगा, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका। आप चाहेंगे कि 3D का क्वेश्चन गलत हो, लेकिन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे समझा समझाया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा थोड़ी और 3D के बारे में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। किसी भी पॉइंट की लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन हम बताते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का प्लेन किया जाता है, यूज किया जाता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये तीनों कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस तीन होती हैं, कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो y और z कोऑर्डिनेट जीरो होगा। y एक्सिस की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो x इक्वल टू z इक्वल टू जीरो, और z एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की अगर अपन इक्वेशन लिखना चाहें, इसकी इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू जीरो। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। उसके बाद एक होता है वाई जेड प्लेन। अगर आप वाई जेड प्लेन की बात करना चाहें तो ये है वाई जेड प्लेन। दिस वाई जेड प्लेन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो, फिर एक एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स प्लेन। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन हैं। जेड एक्स प्लेन की अगर आप बात करना चाहें तो ये है नीचे जेड एक्स प्लेन। ब्लू कलर शायद उतना अच्छा दिख ना रहा हो, लेकिन चलिए थोड़ा ज्यादा कर देते तो फ्लक्चुएशन तो दिख जाएगा। ये है जेड एक्स प्लेन, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वाई इक्वल टू जीरो। तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स होती हैं, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और किसी भी पॉइंट की लोकेशन या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। आइए थोड़ा सा और देखें, यहां पर वापस से आइए इनको बना लेते हैं एक्स वाई और जेड। बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो मैं समझाने जा रहा हूं। पॉइंट की लोकेशन को थोड़ा और ध्यान से हम लोग देखेंगे, पॉइंट की लोकेशन को थोड़ा और ध्यान से हम लोग देखेंगे।
मान लीजिए ये पॉइंट है पी, मान लीजिए ये पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अरे बंद कर, अलग ही लेवल। अब सुनो, मान लो ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान दें। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से कोऑर्डिनेट एक्सिस को फुट ऑफ परपेंडिकुलर और कोऑर्डिनेट प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो इससे वाई जेड प्लेन को जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आएगा, वाई जेड प्लेन का या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के अलावा, इसको कुछ अपन ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप्स कह लेते हैं, ऐसा कह लेते हैं। तो पी पॉइंट को हम लोग मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये पी पॉइंट। तो मैं पता लगाना चाहता हूं पी पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद होना चाहिए। अगर पी पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी है तो एक्स वाई प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए कॉमा बी कॉमा जीरो, यहां से वाई जेड प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर जीरो कॉमा बी कॉमा सी, और यहां से जेड एक्स प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए कॉमा जीरो कॉमा सी, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ में यह भी आपको याद होना चाहिए कि पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, पी पॉइंट से वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, और पी पॉइंट से जेड एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। अक्सर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कि किसी पॉइंट पी से कोऑर्डिनेट प्लेन्स को फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसी पॉइंट पी से कोऑर्डिनेट एक्सिस को फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करना, एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होगा, वाई जेड प्लेन पर एक्स जीरो होगा, एक्स जेड प्लेन पर वाई जीरो होगा, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होंगे, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों जीरो होंगे, और जेड एक्सिस पर एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको गिवन है तो उससे कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उससे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम खटाखट खटाखट निकाल सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा कहां जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशन, पॉइंट की लोकेशन, और साथ में यह भी बताया कि अगर कोई पॉइंट है तो उससे कोऑर्डिनेट प्लेन्स का क्या परपेंडिकुलर है और कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या। अच्छा, यहां पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहें तो सारे निकाल सकते हैं सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से, कॉपी करिए। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने देख लिया। अब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी अपन देख लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए दो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। सब बच्चे ध्यान देंगे इन दोनों पर, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। कोई इसमें विशेष बात नहीं है, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती थी। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट आपका x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट अगर आपका x2 y2 z2 है, ये दो पॉइंट हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोई विशेष चीज नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको आता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला भी वैसा ही है। यहां पर अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 कह दें और यहां पर एक पॉइंट हमारे पास x2 y2 z2 है, तो इसको सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसा ही है।
अगर एक पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है और दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करना है तो एकदम सेम जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। यस, अभी अभी ये कौन बोला? एम हाँ, सेक्शन फॉर्मूले की बात करें, वैसे जैसे 2D में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था वैसे 3D में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। एम एक्स टू एन एक्स वन, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा, कॉमा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा। ये आ गया निकल के, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला निकल के आ गया। सेक्शन फॉर्मूला की मदद से छोटी छोटी बातें हम लोग कह सकते हैं। आइए छोटी मोटी बातें कह दे, एक आध दो बहुत छोटी छोटी बातें जो कि हमको कह देनी चाहिए। अगर एक पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है और दूसरा पॉइंट अगर एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो इनका मिड पॉइंट कितना निकल के आएगा भाई? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू कॉमा जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। ये अब इसका एक और छोटी बात अपन कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से, और मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड किस पर लाई करेगा? मीडियन पर लाई करेगा, और मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, x2 plus x3 by 2, comma y2 plus y3 by 2, comma z2 plus z3 by 2। अब यहां से हमारे पास सेंट्रोइड निकल के आ जाएगा, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3, comma z1 plus z2 plus z3 by 3। सेंट्रोइड ऐसे आप इन सेंटर निकाल सकते हैं। इन सेंटर कैसे निकालेंगे? इन सेंटर भी निकाल सकते हैं आप। इन सेंटर निकालने की थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ए बी सी, मान लीजिए ए पॉइंट आपका एक्स वन वाई वन जेड वन है, मान लीजिए बी पॉइंट आपका एक्स टू वाई टू जेड टू है, और मान लीजिए सी पॉइंट आपका एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री है। अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, डिस्टेंसेज निकालने पड़ेंगे। तो ये दूरी निकाल लीजिए ए, ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ये दूरी निकाल लीजिए बी और ये दूरी निकाल लीजिए सी। तो आप बड़े आराम से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। कैसे भैया? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर सेंट्रोइड ये सारी, अब सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर के लिए प्रपंच करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में भी अपन नहीं पड़ेंगे। लेकिन इन सेंटर की जहां तक बात है, सेंट्रोइड की जहां तक बात है, मिड पॉइंट की जहां तक बात है, ये सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूले से कॉपी करिए। आइए जो छोटी सी थ्योरी अपन ने पढ़ ली है, आइए उस छोटी सी थ्योरी पर बेस्ड कुछ बेहतरीन हम लोग सवाल लेते हैं और इन सवालों को सब बच्चे देखेंगे। ये दो क्वेश्चन ले रहा हूँ और कमाल की बात है दोनों आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ने के बाद बड़ी थ्योरी लगा देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हो रहा होता है छोटी सी ही थ्योरी से। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ए बी सी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए के कॉर्डिनेट वन माइनस वन माइनस थ्री, बी के कॉर्डिनेट टू वन माइनस टू और सी के कॉर्डिनेट फाइव टू माइनस सिक्स है। द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एंगल ए, बच्चे इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट लेके पता नहीं क्या क्या करके इंटरनल एंगल के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ए पॉइंट हमको दे रखा है वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, बी पॉइंट हमको दे रखा है टू कॉमा वन कॉमा माइनस टू और सी पॉइंट हमको दे रखा है माइनस फाइव कॉमा टू कॉमा माइनस सिक्स। अब ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो हम ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी इस साइड की लेंथ अगर सी है, इस साइड की लेंथ अगर बी है, तो ये पॉइंट इसको डिवाइड करेगा सी इज टू बी के रेशियो। चलिए
सी साइड की लेंथ निकालें, सी साइड की लेंथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, रूट ऑफ 2 माइनस 1 वन स्क्वायर, 1 प्लस 1 टू स्क्वायर एंड माइनस 2 प्लस 3 वन स्क्वायर, तो 4 5 6 रूट 6। बी की लेंथ निकालें तो बी आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 5 6 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 3 स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 6 3 स्क्वायर, तो जाएगा 9 9 8 6 6 36 36 और 18। कैलकुलेशन तो मेरी बचपन से ही वीक रही है, 6 6 12 13 14 3 4 5 54। तो 54 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, तो ये 3 रूट 6 निकल के आ जाएगा। तो अगर C इज टू B का रेशियो, बहुत सही, इतनी सुंदरता आज तक नहीं देखी, यानी 1 इज टू 3 का रेशियो आ गया। अगर 1 इज टू 3 का रेशियो आ गया तो ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, 1 इंटू दिस 3 इंटू दिस अपॉन 4, तो 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 4 कॉमा, फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 4 कॉमा, फिर 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 4, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय 4 कॉमा 5 बाय 4 कॉमा माइनस 12 बाय 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया। इस पॉइंट को डी कह देते हैं। तो हमको ए डी लेंथ चाहिए, इंटरनल एंगल ऑफ एंगल ए, तो ए डी लेंथ निकाल लीजिए। ए डी लेंथ बड़े आराम से आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो मैं लिखूंगा गेट ए डी। जो फंडामेंटल ज्योमेट्री है, फंडामेंटल ज्योमेट्री 3D हो 2D हो, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमेशा इसको डिवाइड करेगा सी टू बी के रेशियो में। पॉइंट आ गया डी पॉइंट आ गया, ए डी डिस्टेंस आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। कॉपी करो। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी 3D पर बेस्ड। ये देखिए दो सवाल हैं, दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। आइए, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आइए पहले वाले को अगर हम सॉल्व करें, बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट को, 3 कॉमा 5 कॉमा माइनस 7 और दूसरा पॉइंट माइनस 2 कॉमा 1 कॉमा 8 इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। अब सोचो, आप लोग सोचो, अगर वाई जेड प्लेन की बात अगर अपन करते हैं, वाई जेड प्लेन की बात अगर करते हैं, तो वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा या जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब वही एक्स कोऑर्डिनेट लिखें, लैम्डा इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 शुड बी 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होना चाहिए। तो यहां से निकल के आएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 शुड बी 0, लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई 3/2, यानी वाई जेड प्लेन इसको डिवाइड करता है 3/2:1, दैट इज 3:2 के रेशियो में। एंड इंटरसेक्शन निकालना है तो निकाल लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 3:1 प्लस 2:5 अपॉन 3+2, और जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 3:8 प्लस 2:-7 अपॉन 5, तो जो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0.5 × 10 13/5 कॉमा माइनस 14 × 10/2। ये लीजिए, ये पॉइंट आ गया वाई जेड प्लेन पर। यहां पर हमने इस तर्क का इस्तेमाल किया, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि अगर ये लाइन वाई जेड प्लेन को काट रही है तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। कॉपी करो तो सेकंड क्वेश्चन करें अपन, सेकंड क्वेश्चन यहीं पर देखें। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो बिल्कुल आपको बढ़िया महसूस होगा, द प्लेन एक्सोजेड मतलब एक्सजेड प्लेन, ओ मतलब ओरिजिन है, तो एक्सजेड प्लेन डिवाइड्स द जॉइन। अब देखो एक पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 5
और दूसरा पॉइंट अपन को दे रखा है 2, 3, 4, ये आ गया लाइन एक्सजेड प्लेन, जहां पर भी इनको काटेगा। तो अगर एक्सजेड प्लेन की बात करें तो मान लीजिए एक्सजेड प्लेन जहां कहीं पर इनको काट रहा है, तो एक्सजेड प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इन द रेशियो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पिछले वाले में तो कम से कम चलो पॉइंट भी पूछ लिया था। तो हम वापस मान लेंगे कि ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है लैम्डा इज टू वन के रेशियो में। तो वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो लैम्डा इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस वन इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन लैम्डा प्लस वन शुड बी जीरो, क्योंकि अगर एग्जैक्ट प्लेन इसको कहीं पर भी काट रहा है तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही निकल के आएगा। तो 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 मिल गई। लैम्डा की वैल्यू यानी ये इसको काटता है 1/3:1 के रेशियो में। कॉपी करिए। अब सुनो सब बच्चे ध्यान से, तो हमने जो है 3D कोऑर्डिनेट, पढ़ लो बेटे पढ़ लो, सब बच्चों ने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, सेक्शन फॉर्मूला देख लिया। अब तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से तो डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसके आगे मैं लिख दूंगा ऑलरेडी नोन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को ऑलरेडी सारे के सारे पता है। इसका यूज होता है, यूज टू टेल डायरेक्शन इन 3D। ये बात समझे। अब एक बात सुने, जो 3D है ना, 3D वो पूरा वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, बिल्कुल वेक्टर के साथ में चलेगा। इसका मतलब है मन में सोचेंगे वेक्टर लेकिन लिखेंगे 3D, लगातार इसका थॉट प्रोसेस वेक्टर की तरह चलेगा। जैसे ही डायरेक्शन की बात आएगी, जैसे ही दिशा की बात आएगी, तुरंत हमारे दिमाग में वेक्टर आना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुने, अगर कोई बोलता है, अगर किसी ने बोला अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए इज टू बी इज टू सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्लियरली मतलब हो गया कि वेक्टर पैरेलल टू लाइन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्लियरली मतलब है। अगर कोई बोलता है नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन हैज डायरेक्शन रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, किसी ने ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये समझिए, 3D के अंदर वेक्टर का यूज तो है नहीं, तो यहां डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, जिनकी हमको भली भांति अंडरस्टैंडिंग है। यहां से अपन कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बातें कह सकते हैं। पहली बात ये कह सकते हैं कि टू लाइंस हैव डायरेक्शन रेशियो ए वन इज टू बी वन इज टू सी वन एंड ए टू इज टू बी टू इज टू सी टू। अगर दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो ए वन इज टू बी वन इज टू सी वन है और ए टू इज टू बी टू इज टू सी टू है, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा? बहुत इजी, एंगल बिटवीन देम खुद ही समझो, उनके बीच का एंगल आ जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर का मॉड। अब सोचो ये कहां से लिखा, ये लिखा हुआ है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, क्योंकि जैसे ही अपन ने बोला पहले पहली लाइन के डायरेक्शन सोचेंगे वेक्टर लेकिन लिखना नहीं है वेक्टर, लिखना 3D 3D है, आई जे के कैप नहीं लिखना, लेकिन सोच पूरी वेक्टर की चलेगी, पूरी वेक्टर। तो ये देखिए, अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन है, तो यानी पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। यहां से आप गजब गजब की बातें कह सकते हो, दैट इज, ओह सॉरी,
यहां से आप गजब गजब की बातें कह सकते हो, दैट इज लाइंस परपेंडिकुलर अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो, दैट इज, अब आप फिर बोलोगे लाइंस पैरेलल इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब पूरे टाइम मन में चलेगा वेक्टर ही, ध्यान रखें डायरेक्शन एकलौती चीज जहां आपको वेक्टर सोचना है, डायरेक्शन रेशियो सुनते ही मन में वेक्टर चलना चाहिए। अच्छा यही पर कभी कभी बदतमीजी कर देते हैं छोटे बच्चों के साथ, यूं बोल देते हैं कि टू लाइंस हैव डायरेक्शन कोसाइन एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू, अब डायरेक्शन कोसाइन दे दिए भाई साहब उन्होंने, डायरेक्शन कोसाइन दे दिए, तो इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन देम, लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, सीधे हम बोलेंगे भैया मॉड ऑफ एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, इसमें डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है वन, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है वन, इसमें कहीं कोई नहीं कह सकता। यहां पर हम बोल सकते हैं लाइंस परपेंडिकुलर इफ, लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगे, जब एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू जीरो, और यहीं पर लाइंस पैरेलल हो जाएंगे एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। चूंकि हम प्लेन्स और ये पूरा पढ़ चुके हैं तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट देखें, अगर यहीं पर मैं बोलू टू प्लेन्स हैव डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू, आमतौर पर ये लोग ये भी नहीं बोलते कि उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, वो बोलते प्लेनाई के डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो मतलब उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स इज कॉस थीटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। यहां पर फिर से वही पुरानी कहानी कि हम बोल सकें कि प्लेन्स परपेंडिकुलर अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो, यहां पर हम बोलेंगे प्लेन्स पैरेलल अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी, मतलब यहां पर 3D में आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, लेकिन खोपड़ी आपको समझाएगी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। कॉपी करिए, कभी भी कोई बोले प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन, उसका मतलब है प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन बेस्ड है डायरेक्शन कोसाइन और बातें जो अपन ने पढ़ी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are given by this and this, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने पहले भी वेक्टर में लिया था और आपको फिर एक बार समझाता हूं, यहां दो रिलेशन दे रखे हैं लेकिन तीन वेरिएबल हैं m plus n plus n zero, l square plus m square equal to n square, एक एक्स्ट्रा रिलेशन हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के बीच में होता है। अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी वन। वैसे तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो में चेंज कर लेते हैं, उससे डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल बनती है, जबकि डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनती है। तो डेफिनेटली दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना ईजी है कंपेयर टू तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, लेकिन यहां पर यह तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी दी गई है, तो इस बार हम डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट नहीं करते। बोर्ड पर देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर के बराबर है, इसको वन कह दीजिए, इसको टू कह दीजिए, इसको थ्री कह दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है वन माइनस एन स्क्वायर के बराबर है, तो बाई टू एंड थ्री, एक क्वेश्चन अपन ने वेक्टर में किया था, मैंने समझाया भी था, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन माइनस एन स्क्वायर के बराबर हो साइन n स्क्वायर के बराबर, यानी 2n स्क्वायर की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू या तो 1 बाई रूट 2 या n की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2।
अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को घूरें, अगर फर्स्ट इक्वेशन को घूरें तो एल प्लस एम माइनस एन हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दें तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एम, एन स्क्वायर आ गया, और एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी हाफ, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी किसके बराबर, एन स्क्वायर, तो यहां से एल एम की वैल्यू जीरो निकल के आ गया, और एल एम की वैल्यू जीरो निकल के आ गई, और यहीं से इसी इक्वेशन से एल प्लस एम की वैल्यू माइनस हाफ निकल के आ गई। ये देखिए, ध्यान देखिए, एल प्लस एम को माइनस एन कर दिया, स्क्वायरिंग करी तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर ये निकल के आ गया हमारे पास, तो यहां से एल एम की वैल्यू मस्त जीरो आ गई, और यहां से एल प्लस एम कहां पर माइनस वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू निकल के आ गया। अब देखिए यहां से अपन एल आर एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू अगर वन बाई रूट टू कर दी है, या तो एल की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू, या इसी कॉम्बिनेशन में एल की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू और एम की वैल्यू जीरो। ध्यान देखते हैं, एक बात तो ये बन गई कि एन की वैल्यू वन बाई रूट टू और ये कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा दूसरी चीज, अगर एन की वैल्यू आप माइनस वन बाई रूट टू ले लेते हैं, देखो इधर एल इक्वल टू, एक बार माइनस वन बाई रूट टू किया मैंने, माइनस वन बाई रूट टू किया यानी एन की वैल्यू मैंने वन बाई रूट टू ली, जब माइनस वन बाई रूट टू लोगे तो यहां पर एल प्लस एम की वैल्यू प्लस वन बाई रूट टू आएगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी दो वैल्यू निकल के आएगी। अब एल प्लस एम की वैल्यू प्लस वन बाई रूट टू और एल इंटू एम की वैल्यू जीरो, यहां से क्या आ गई, या तो एल की वैल्यू वन बाई रूट टू और एम की वैल्यू जीरो, या एल की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू वन बाय रूट। कहां हम लोग दो लाइन खोज रहे थे और कहां यहां चार चार लाइन आ गई निकल के, एन की वैल्यू वन बाय रूट टू, एल की वैल्यू जीरो, एंड अब ये चार लाइन कैसे आ गई मैं समझाता हूं, चार नहीं है दुइये हैं। ध्यान से देखें, अगर इसमें एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट लिखिए आप एल कॉमा एम कॉमा एन लिखिए, एलिमेंट लिखिए, तो अगर एलिमेंट लिखेंगे तो जीरो माइनस वन बाय रूट टू वन बाई रूट टू, और एक आएगा माइनस वन बाई रूट टू जीरो वन बाई रूट टू, जो कि मैंने, अरे ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है क्या, अब काम करेगा, एक तो ये आ गया। अच्छा यहां से अगर आप लिखोगे, ये दोनों तो मैंने ये लिख दिए, यहां से अगर लिखोगे तो वन बाई रूट टू एम की वैल्यू जीरो और माइनस वन बाई रूट टू, और दूसरा लिखोगे एल की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू वन बाई रूट टू और माइनस वन बाई रूट टू, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स उस डायरेक्शन को साइन्स और दिस और दिस। तो अगर आप डिस्टिंग्विशेबल लाइन लेना चाहते हैं तो ये दो लाइन्स या ये दो लाइन्स, कोई सा भी पेयर ले लीजिए, बात बन जाती है। तो इन दो लाइन के बीच में एंगल कॉस थीटा निकालना, मॉडुलस ऑफ दिस इंटू दिस जीरो प्लस मॉड दिस इंटू दिस जीरो प्लस वन बाई रूट टू वन बाई टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू बेहतरीन 60 डिग्री। कॉपी कर लीजिए। वैसे तो हम लोग आमतौर पर डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि रेशियो में नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, लेकिन इस बार क्वेश्चन इतना ज्यादा सस्ता दिया गया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की, इसी से खेल सकते हैं। कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शो दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिद्ध करना है ये पॉइंट है ए माइनस 945 और ये पॉइंट है बी 110-1। सिद्ध करना है कि ओरिजिन से जो इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो और कुछ नहीं इसका मिड पॉइंट ही है। तो चलो पॉइंट निकाल लेते हैं, तो माइनस 9 प्लस 11 बाई टू 1 2 2, इसका मिड पॉइंट निकल के आ गया। मिड पॉइंट निकालना कोई खास बात नहीं है, x1 प्लस x2 बाई टू, इसके अलोंग डायरेक्शन रेशियो। अब यहां पर देखें, अगर आपको किसी लाइन पर दो पॉइंट पता, मान लीजिए एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, तो इसके पैरेलल वेक्टर आप लिख सकते हैं
एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो हो गए एक्स टू माइनस एक्स वन इज टू वाई टू माइनस वाई वन इज टू जेड टू माइनस जेड वन, ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो वन इज टू टू इज टू टू। उसी प्रकार से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 11 माइनस 9 19 इज टू 0 माइनस 4 इज टू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। कहां पर? अरे रे रे रे, हाँ वो 11 में 10 ही जोड़ दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होगा 20। अब अगर ये लाइन सही में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों डॉट जीरो यानी डायरेक्शन रेशियो में बात करें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो। तो इफ अगर परपेंडिकुलर हैं तो आइए A1 A2 देखें, तो 1 × 20 प्लस 2 × −4 प्लस 2 × −6, तो आ जाएगा 20 − 8 − 12। प्रूव्ड, साबित कर दिया कि ओरिजिन से जो इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो और कुछ नहीं होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट से ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। कॉपी करो, ध्यान देखेंगे वापस, जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपको वेक्टर में समझाया था उस पर ध्यान देंगे। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स खटखट, तो एक पी पॉइंट उसने दे दिया है, ये पॉइंट पी है −1 to 1 और एक पॉइंट क्यू है क्यू 4 3 5। मैं बता रहा हूं आपको पूरा जो 3D है वो पूरे वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा, आपके वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और बहुत फास्ट आते हैं, 3D बहुत इजी है और वेक्टर जैसे आपको पढ़ाया गया है, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया गजब पढ़ाया है, आप 3D में कहीं नहीं अटकेंगे। अब सुने ध्यान से, पी और क्यू दो पॉइंट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ लाइन विच में, अब पी क्यू का प्रोजेक्शन चाहिए किसी लाइन पर, अब इस लाइन के पैरेलल, हाँ पर PQ वेक्टर एक दे रखा है, क्वेश्चन कहता है P एंड Q आर द पॉइंट्स कट एंड कट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन अ लाइन, PQ का एक लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। क्या बात बताई थी मैंने, क्या बात बोली थी मैंने, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसकी टोपी से डॉट ले लो। पूरे टाइम लिखेंगे 3D सोचेंगे वेक्टर, तो अगर इस लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाए, अगर इस लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाए तो बात बन जाए, अगर इस लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाए तो प्रोजेक्शन की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू डॉट एंटोपी का मॉड, ये होती है प्रोजेक्शन। तो ठीक है, पी क्यू वेक्टर तो पता ही है अपन को। अब क्या बोलता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ लाइन विच मेक्स एंगल 120 डिग्री 135 डिग्री विद वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल नहीं पता, लेकिन वाई एक्सिस के साथ एंगल 120 डिग्री है और जेड एक्सिस के साथ एंगल 135 डिग्री है। एंड मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अल्फा एक्यूट है यानी 0 से α 90 डिग्री के बीच में, तो जो एंटोपी होता है वो और कुछ नहीं होता कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। आपको बताया था कि कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आर नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उन एंगल का कॉस और कुछ नहीं होता, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ही होते हैं। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर है तो क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा कॉस स्क्वेयर गामा वन, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री हाफ 1/4 आ गया भाई साहब, यही निकल के आ रहा है क्या, 120 डिग्री यानी इस साइड से 60, बिल्कुल सही है 120 डिग्री, कॉस स्क्वायर गामा 135 डिग्री तो 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/2 1/3/4 1/4। तो वैसे तो कॉस अल्फा की दो दो वैल्यू आएंगी, लेकिन कॉस अल्फा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए तो वैल्यू हाफ आ गई। तो यहां से
इसके पैरेलल यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया, सॉरी के पैरेलल यूनिट वेक्टर आ गया हाफ आई कैप और माइनस हाफ जे कैप और माइनस वन बाय रूट टू के कैप, ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अल्फा 120 डिग्री और ये अल्फा कॉस अल्फा हाफ, तो बिल्कुल सही, बाकी तो बिल्कुल ये आ गया हमारे पास निकल के, चलो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ओके, अब पीक्यू वेक्टर निकाल लीजिए, तो पीक्यू वेक्टर निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फोर माइनस वन फाइव आई कैप थ्री माइनस टू प्लस जे कैप फाइव माइनस वन प्लस फोर के कैप, ये लीजिए। तो पीक्यू का डॉट एंड ओपी के साथ सीधे आ जाएगा फाइव बाई टू माइनस हाफ माइनस फोर बाय रूट टू, तो फाइव बाई टू माइनस सेवन बाई टू फोर बाई टू टू, दैट इज टू माइनस टू रूट टू, ये लीजिए। यानी अगर देखा जाए तो टू कॉमन ले लेंगे, टू टाइम्स रूट टू माइनस वन, ये लीजिए, ये निकल गया आपके पास प्रोजेक्शन पीक्यू ऑनलाइन, ये टू इंटू रूट टू माइनस वन। प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, कॉपी करिए।